हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास पीछे रह गए थे कुछ एक्सरसाइज के अंदर, जो वीडियो की लास्ट में सी पार्ट करेंगे। 12 ST ब्रैकेट माइनस 2 RT 4 RS। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल ये डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये आपस में सभी नंबर्स मल्टीप्लाई हैं। सबसे पहले हम साइन चेक करेंगे, सभी जगह हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर साइन माइनस का है, तो माइनस का रिजल्ट हमेशा माइनस रहेगा। अगर माइनस की जब काउंटिंग है वो 1 टाइम 3 टाइम यानी ओड नंबर है, तो माइनस का रिजल्ट हमेशा माइनस रहेगा। और जो माइनस की काउंटिंग 2 टाइम 4 टाइम यानी इवन नंबर है, तो माइनस का रिजल्ट हमेशा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। तो काउंटिंग कर लेते हैं कि माइनस कितनी बार आया है, तो 1 टाइम है तो माइनस का रिजल्ट 1 ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब उसके बाद डिजिट हैं 12 × 2 × 4। वेरिएबल एस कितना टाइम है हमारे पास, एस यहाँ से चेक कर लीजिए 2 टाइम है, s × s यानी एस 2 टाइम है तो पावर 2। उसके बाद r भी हमारे पास 2 टाइम है, तो पावर r कितनी बार, 2 टाइम यानी पावर 2। यानी मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 2। फिर हमारे पास टी चेक करते हैं, टी भी हमारे पास 2 टाइम है तो पावर 2 हो गई। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतनी पावर होती है। यहाँ से 12 × 2 = 24, 24 × 4 = 96 और माइनस रिजल्ट माइनस का है, s² r² और t^2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ डी पार्ट, 1/36 x² y³ z, 6 x² y z³ एंड -3x। एट फर्स्ट वी काउंट द माइनस की काउंटिंग कितनी, 1 टाइम है तो माइनस का रिजल्ट हमेशा माइनस ही रहेगा। अब 1/36 जो कॉन्स्टेंट नंबर उनको साथ में राइट कर लीजिए, 6 × 3। आफ्टर दिस वेरिएबल राइट करेंगे x, यहाँ पर चेक कर लीजिए कि बेस xyz और x, यानी x सभी जगह है, तो यहाँ से x, इनको मल्टीप्लाई हम शो करते हैं लेकिन x हमारे पास वेरिएबल है। कितने टाइम है, 2 टाइम यहाँ पर, 2 टाइम यहाँ पर, 2 और 2 4 टाइम हो गया, यानी पावर ऐड हो जाती है। y मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 3 टाइम यहाँ पर और 1 टाइम 4 टाइम हो गया। z भी हमारे पास, सॉरी जो हमारे पास x था वो 2 और 2 और 5 5 टाइम हो गया, 1 टाइम x हमारे पास 5 टाइम हो गया, z हमारे पास 4 टाइम हो गया। अब इसमें हमारे पास कुछ नंबर कैंसिल होते तो कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास 6 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब ये 3 से कट होता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी एक ही नंबर हम यूज़ करेंगे कट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। -1/2 रिमेनिंग नंबर राइट करेंगे, x^5 y^4 और z^4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ सम नंबर 3 करेंगे, अब इसके भी रिमेनिंग पार्ट करेंगे, जो पार्ट हम पहले वीडियो में नहीं कर पाए वो आपके लिए छोड़े थे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, लेकिन आपकी शिकायत आई कि आपने मैम सभी सम क्यों नहीं किए, तो अभी कर देते हैं फिर बेटा। 3ab − 7a²b। सेकेंड क्वेश्चन में हमने सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई की थी सिंगल डिजिट के साथ। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर्स प्लस माइनस में आ चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबकी मल्टीप्लाई 1/1 सबके साथ होगी, यानी अगर बाहर 9 है तो 9 दोनों के साथ 1/1 मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, साइंस की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस और प्लस, तो हमारा रिजल्ट प्लस मिलेगा। प्लस लिखे ना लिखे स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। फिर नंबर्स की, 9 3 = 27 और ए कितनी बार है, 3 टाइम है, और बी कितनी बार है, 2 टाइम है, पावर 2 यानी 1 और 1 प्लस हो गई पावर। अब हम सेकंड टाइम, पहले साइन चेक करेंगे, प्लस और माइनस, डिफरेंट की मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमेशा माइनस होता है। फिर 9 7 = 63, ए काउंट करेंगे कितनी बार, 4 बार हो गया, 2 और 2 4, और बी हमारे पास 1 और 1 2 टाइम, तो यहाँ से यानी मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ सी पार्ट करेंगे, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एंड माइनस 7/12 एम स्क्वायर और एन क्यूब मतलब पावर 3। अब यहाँ पर पहले हमारे पास यहाँ पर दोनों नंबर है तो 1/1 ओपन होंगे, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, साइन चेक करेंगे, यहाँ से प्लस और माइनस, डिफरेंट का रिजल्ट हमेशा माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7/12, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सेम रहेगी। अब वेरिएबल का टर्न आती है, एम की मल्टीप्लाई करेंगे हम, एम हमारे पास 2 टाइम यहाँ पर 2 टाइम यानी 2+2 4 हो गया। फिर हमारे पास एन बचता है, एन की पावर 3। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस डिफरेंट का रिजल्ट हमेशा माइनस ही रहेगा। 7/12 यहाँ पर m 2 टाइम ही है और n हमारे पास हो गया 5 टाइम, 2 और प्लस 3 5 टाइम। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट।